नमस्कार, रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा हैं। राघवेंद्र मिश्रा जी ऐसे स्टूडेंट हैं जो JNU में अकेले भगवा वस्त्र पहनने वाले हैं और ये पूरे हमेशा JNU कैंपस में भगवा वस्त्र ही पहनते हैं। राघवेंद्र जी, ये बताइए आज क्या कुछ हुआ था अभी जो जिसकी वजह से काउंटिंग बंद करना पड़ा था? पहले तो मैं बता दूं, मैं अम्बेडकर वादी हिंदू लीडर हूं। और रही बात आपने जो क्वेश्चन किया, यहां के कम्युनिस्टों ने और CEC ने मिलकर ABP को हराने के लिए जो है कि कम से कम 500 वोट इन लोगों ने उसमें डाल दिया है। ABP को प्रॉपर हराने के लिए पूरी धांधली ये लोग कर रहे हैं और ABP के मेंबर्स को कम्युनिस्टों ने मारा है। और मुझे खुद, ये जो मैं ब्लाइंड छात्र दिव्यांग छात्र में बोल रहा हूं, मुझे जो है कि EC ने और जो है कि यहाँ के कम्युनिस्टों ने मुझे घेर लिया था 20 लोगों ने मारने के लिए। प्रशांत भूषण ने, सारिका चौधरी ने, साईं बालाजी ने और जितने लोग हैं, इन लोगों ने प्रॉपर मुझे घेर लिया था। बोले कि आप हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं, आप राम मंदिर की बात क्यों करते हैं, आप भगवा क्यों पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ आप यहाँ पर जलदार टोपी पहनते हैं, आप जो है कि नमाज पढ़ते, मैंने आपको कभी नहीं बोला। और मैं जो है कि यहाँ पर बात करता हूँ, मैं भगवा पहनता हूँ, आप लोग मुझे क्यों मारते पीटते हैं। मुझे जान से मारने की धमकी दिया है CEC ने और जो है कि यहाँ के कम्युनिस्टों ने। मेरी जान को खतरा है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरे भारत को बताइए कि यहाँ के कम्युनिस्ट कितने दोगले हो गए हैं। यहाँ का CEC भी उनसे मिल गया है, वो नहीं चाहता कि एक दिव्यांग छात्र अपनी बातों को बोले, एक विकलांग छात्र अपनी बातों को बोले, क्योंकि यहाँ के कम्युनिस्टों ने, यहाँ के CEC ने अगर मुझे मारने की अगर धमकी दिए जान से, इसका मतलब कि पूरे दिव्यांग छात्रों को मारने की धमकी दिए। मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, पूरा गरीब और किसानों को मारने की धमकी दिए। मैं भी एक गांव से आता हूँ, गांव के ग्रामीणों को मारने की धमकी दिए। इनका मेरे प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और जल्दी से इस पूरे देश से इन कम्युनिस्टों को हटाया जाए, क्योंकि दिव्यांगों को मारने की जान से धमकी दे रहे हैं लोग। नहीं, आप ये बताइए कि लेफ्ट वाले लोग तो लगा रहे हैं आप लोग की तरफ की उन्होंने मारपीट शुरू की। हम लोगों ने मारपीट नहीं शुरू की, हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनको मारा गया। अभी आप जाके इंटरव्यू ले लीजिए, बहुत से लोग इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के, लोगों ने मारा प्रॉपर लिटरेली, रो रहे थे। लड़कियों के लोग मारा, बहुजन नाखून तोड़ा, एक लड़का को, दो लड़के हमारे अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और जो कि इन लोगों ने पूरा घेर था, बैरियर इन लोगों ने गिराया, शीशा यहाँ के कम्युनिस्टों ने तोड़ा है। और जो कि मारने के भी धमकी दी हम लोग को, लाठी लेके लोग भैया आए थे, बहुत सारे कम्युनिस्ट आप अभी देख लीजिए, ये लोग जो है कि आप पत्ती लेकर प्रॉपर आए हैं, पत्ती से मार रहे हैं, चम्मच से मार रहे हैं, हथियार लेकर आए हैं। अभी 4 दिन पहले 4 कम्युनिस्ट जो है कि यहाँ पर जो है कि दूसरे चीज लेके, जान से मारने वाली चीजें लेके घूम रहे थे इस कैंपस में। तो इस कैंपस में कम्युनिस्टों ने जो पूरी अराजकता फैला दी है, सबको जान से मारने की धमकी दी। ये जो दिव्यांग छात्र, मुझे खुद यहाँ के कम्युनिस्टों ने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप अम्बेडकर हिंदूवादी हैं, तो इसके बारे में बताइए, ये क्या? देखिए, मेरा ये कहना है कि अंबेडकर जी को पहले तो इन लोगों ने जो कि डिफाइन कर दिया है कि वो एंटी हिंदू थे और जो कि एंटी कल्चरल थे। मैं इन कम्युनिस्टों को बता देना चाहता हूँ कि अंबेडकर हमेशा राष्ट्रवाद के समर्थक थे, अंबेडकर जी हमेशा से भारतीय संस्कृति सभ्यता के समर्थक थे, अंबेडकर जी हमेशा इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के समर्थक थे। और जो भी इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का समर्थक होगा, वो भारत का होगा, वो राष्ट्रवाद का होगा। ये जो JNU है, एक शिक्षण संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है। आप शिक्षण संस्थान में इस तरह के भगवा वस्त्र पहनते हैं, कहाँ तक सही है? इस शिक्षण संस्थान में ये कहाँ तक सही है कि 9 मंजिले लाइब्रेरी के पब्लिक प्रॉपर्टी पर उपकर, किसके बाप ने आजादी की जाके नमाज पढ़ो, किसने आजादी यहाँ दे दी है बुरका पहन के चलो, किसने आजादी दे दी है कि यहाँ पर जो है कि देश तोड़ने की बात करो, किसने आजादी दी है कि कसाब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये किसने आजादी दी है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बताइए मुझे। मैं भगवा पहनता हूँ भारत देश में, मैं यहाँ भगवान नहीं बोलूंगा तो क्या सीरिया अरब में जाके पहनूंगा? यहाँ मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा तो क्या सीरिया अरब में जाके बोलूंगा? यहाँ नहीं बोलूंगा तो जाके पाकिस्तान में बोलूंगा? आप मुझे बताइए, आप भी तो भगवा ही पहने हैं। मैं हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ शिक्षण, देखिए यह मेरी कल्चरल आइडेंटिटी है और कल्चरल आइडेंटिटी यदि आप छोड़ दिए तो आपका उसी दिन नाश हो जाता है। आप जो है कि अल्लाह अकबर लगाते हैं, आप जो है कि नमाज पढ़ते हैं, लाइब्रेरी पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इस्लामिक फेलोशिप दे रहे हो पनली, यहाँ पर क्रिश्चियन फेलोशिप दे रहे हो पनली, तो वो सब अराजक नहीं है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसलिए शिक्षण संस्थान कोई भी हो, उस शिक्षण संस्थान में अंबेडकर की बात हो,
कलाम की बात हो, भारतीय बौद्धिक परंपरा की बात हो, पूरा एक जो डेमोक्रेटिक राइट है उसकी बात हो, डिबेट डिस्कशन का डिस्कोर्स हो, मैं उन सब का सम्मान करता हूँ। लेकिन जब किसी दिव्यांग को आप मारने की धमकी देते हैं, जब आप जो है कि APJ अब्दुल कलाम को गाली देते हैं, यही कोई कम्युनिस्ट है जो APJ अब्दुल कलाम को इन लोगों ने गाली दिया था, यही कम्युनिस्ट है जो आसिफा के साथ जब होता है तो रोते हैं, क्या गीता किसी की बेटी नहीं थी? गीता के साथ जो घटना हुई उस पर ये कम्युनिस्ट कुछ नहीं बोले। और ये कम्युनिस्ट जो है कि जब कहीं कुछ होता है, मॉब लिंचिंग होती है, उस पर बोलते हैं, मुझे भी दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा इन सबसे मैं खंड। लेकिन अंकित सक्सेना मारा गया, ये कम्युनिस्ट क्यों नहीं बोले? चंदन गुप्ता मारा गया, ये कम्युनिस्ट क्यों नहीं बोले? ये कम्युनिस्ट टोटली इस यहाँ पर जो है कि एंटी इंडियन कल्चर है, एंटी जो है कि हिंदू है, एंटी नेशनलिस्ट है। मैं कहता हूँ इस कैंपस में, एक मिनट सुन लीजिए, इस कैंपस में माँ काली की नंगी तस्वीर लगाए कम्युनिस्टों ने, इस कैंपस में जो है कि दुर्गा जी को प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, इस कैंपस में जो है कि राम को गाली दी जाती है। मैं कहता आपने कभी अल्लाह को गाली दिया? आपने कभी दूसरों को गाली दिया? अब मनुस्मृति जलाते हैं, चले जलाइए। अगर महिलाओं का जहां जहां भी शोषण हुआ है, अगर जलाना ही आपका ऑप्शन है, मनुस्मृति जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो कि महिलाओं का अपमान कुरान बाइबिल में भी हुआ, क्या आपने कभी कुरान जलाया? आप राम पर क्वेश्चन उठाते हैं, क्या आपने पैगंबर पर कभी क्वेश्चन उठाया जिसने 9 साल की लड़की का रेप किया था? ये बताइए कि JNU प्रशासन से आप लोग की क्या मांग? JNU प्रशासन से हम लोग की ये मांग है कि जो यहाँ का CC, यहाँ का जो कि लेफ्टिस्ट पूरा मिलकर ये BEP को जो है कि हराना चाहता है और राष्ट्रवादी विचारधारा को हराना चाहता है, चलिए आप डेमोक्रेटिक वे में यदि हराते हैं मैं आपको सम्मान करता हूँ, लेकिन आप धांधली कर रहे हैं, आप प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप जो कि 500 उसमें इलीगल वोट डाल रहे हैं ये BEP को हराने के लिए, आप जो है कि जी एक CC एक इंस्टीट्यूशन का होते हुए आप जो कि कम्युनिस्टों से मिल गए हैं, आप जो है कि यदि भारतीय अगर ऐसे धांधली करके ये BEP को राष्ट्रवादी विचारधारा को हराना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप एंटी अंबेडकर हैं, एंटी दलित हैं, एंटी भारत के जो सच्चे मुस्लिम हैं उनके भी एंटी हैं, इसका मतलब आप एंटी आदिवासी हैं, एंटी वुमेन हैं, एंटी दिव्यांग हैं, आप एंटी डेमोक्रेटिक हैं, आप नहीं चाहते कि इस देश में संविधान के नियमों का पालन हो, इस देश में प्रजातंत्र का पालन हो, आप नहीं चाहते कि अंबेडकर के सिद्धांतों का भारत बने, आप नहीं चाहते कि विवेकानंद का, अभिनव गुप्त, गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का भारत बने, आप चाहते हैं केवल कि यहाँ पर केवल जैसे आपने केरल में खून की नदियां बहाई, आप जहां जो त्रिपुरा में खून की नदियां बहाई, आप चाहते हैं JNU में भी खून की नदियां बहाएं, ये खून की नदियां मैं मित्रों आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इन कम्युनिस्टों की अब नहीं चलेगी। इस कैंपस में अब राष्ट्रवादियों की बात होगी, राष्ट्रवादियों की बात की जो भारत माता की जय बोलेगा उसकी बात होगी, इस कैंपस में भारत तोड़ने की बात होती है, यही कम्युनिस्ट भारत तोड़ते हैं, कलाम को गाली देते हैं। राघवेंद्र जी, रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा को पूरी भारत, पूरा विश्व सपोर्ट करे और इन कम्युनिस्टों, इन वामपंथियों पर चोट करे, क्योंकि ये वामपंथी न अम्बेडकर के हुए, ये वामपंथी न कलाम के हुए, ये वामपंथी न भारत के हुए, ये वामपंथी एंटी इंडिया हैं, ये वामपंथी एंटी नेशनल हैं, ये वामपंथी एंटी जो है कि अम्बेडकर हैं, एंटी दलित हैं, एंटी आदिवासी हैं, एंटी वुमेन है, एंटी दिव्यांग। तो ये थे ABVP सपोर्टर राघवेंद्र मिश्रा और ये खुद को अंबेडकरवादी हिंदू कहते हैं, तो आपने सुना इनका आरोप। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।